सरकार प्रावैधिक शिक्षा को बढ़ावा देने की लगातार प्रयासरत है। हमारे साथ प्रावैधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल जी हैं। सर, किस तरीके से जो है प्रावैधिक शिक्षा को और बढ़ाने के लिए? ये हीवर्ट पॉलिटेक्निक उत्तर प्रदेश की एक बहुत पुरानी सहायता प्राप्त संस्था है और इसमें आज ये AICT फंडेड इस हॉस्टल का जो है लोकार्पण हुआ है। दूसरा, आज बच्चों को टैबलेट वितरण किया जा रहा है। तो सरकार टेक्निकल एजुकेशन को डेवलप करने के लिए प्रयास कर रहा है। रोजगार के लिए बात करें, क्योंकि तकनीकी शिक्षा से बच्चों में एक उम्मीद होती है, छात्र छात्राओं में, कि बेहतर रोजगार मिले, तो रोजगार के लिए किस तरीके की प्रबंध किए? लोग लगातार छात्राओं को जो है टैबलेट वितरित किया जाएगा। लगातार सरकार जो शिक्षा के में काम कर रही है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, आज हीवर्ट पॉलिटेक्निक में ये AICT के स्पॉन्सर्ड जो है SC ST सेगमेंट का जो छात्रावास है उसका लोकार्पण हुआ है, जो छात्र छात्राओं के जो है आवास के लिए एक बेहतर सुविधा सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही आज टैबलेट वितरण का भी कार्यक्रम है हीवर्ट के जो प्रबंधक और प्रधानाचार्य के द्वारा आयोजित किया, तो उसमें जो स्टूडेंट हैं उन्हें टैबलेट भी उपलब्ध कराया जाएगा। मैं ये चूँकि ये संस्था जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सहायता प्राप्त संस्था है और बहुत ही पुरानी संस्था, प्रतिष्ठित संस्था है, तो आज मैं निश्चित तौर पे मैं बहुत आशान्वित हूँ कि छात्र छात्राएं जो ये टैबलेट प्राप्त करेंगे उसका उपयोग करेंगे और अपनी पढ़ाई को और बेहतर करेंगे। सरकार जिस तरीके से प्रावैधिक शिक्षा को बढ़ावा दे रही है, साथ ही साथ प्रावैधिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को रोजगार मुहैया करने के लिए प्रयासरत है। कैमरामैन लकी सिंह के साथ सत्येंद्र शर्मा, लाइव इंडिया न्यूज़, लखनऊ।